खाना बनाने का अगर तरीका आता है तो आप किसी भी जगह पे हो तो आप बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं, क्योंकि आप जी मैं ये कह रहा था कि आपको खाना नहीं बनाना चाहिए, अगर आपको खाना बनाना आता है तो आप किसी भी जगह फंस सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग गए थे कपड़े लेने और हमने लिए नहीं, और मामी मेरी के मैक्रोनी बना रही थी और उन्होंने बनाई भी नहीं थी, बनानी आती थी, तो मैं यहाँ पे अब उनकी जगह मैक्रोनी बना रहा हूँ। तो गाइस आपको यही चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती है कि अगर आप गोल रोटी बना सकते हैं तो आपने किसी को बताना नहीं है, वरना आपसे सब रोटी और चाय बनवाएंगे। मैक्रोनी पड़ी है यहाँ पे, और ये चिकन है जो अभी मैक्रोनी में डालेगा, और ये बन रही है मैक्रोनी, और ये देखें ये कौन बना रहे हैं, मॉस वेटनरी डॉक्टर। बना रहे हैं मैक्रोनी और आपको दिखा देते हैं क्या क्या डालेगा हमारी मैक्रोनी। ये तो बॉयल मैक्रोनी आप पहले कर लो, और ये है सारे आइटम जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे डालेंगे मैक्रोनी में। अब आप देखें मैक्रोनी कैसे पकते हैं। आप कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे बारे में? अगर आपने मैक्रोनी बनानी है तो सबसे पहले एक तो आपको ये बॉयल करना होता है, ये आप बॉयल कर लेते हैं, इसमें हल्का सा ऑयल डाल देते हैं और थोड़ा सा साल्ट डाल देते हैं, से होता है कि चिपकती नहीं, क्योंकि अभी ये देखें कि अलग अलग आपको नजर आ रही है, चिपकी हुई नहीं है। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, इसके बाद आपने इसको किसी भी चीज में लेके उसमें डाल के ऊपर से पानी डाल के उसको सेपरेट कर लेना। फिर आपको नेक्स्ट मसाला बनाना होता है जो हम अभी बना रहे हैं। सबसे पहले जो है हमने लाइक टमाटर प्याज सिंपल जो बनता है वो उसको हम कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं, फिर उसके अंदर अभी हम जो है ना चिकन ऐड कर देंगे, तो चिकन फ्राई हो जाएगा तो उसमें हम बाकी चीज़ें जो है वो ऐड करेंगे। तो आप सब कुछ देख सकते हैं कि सबसे पहले मालूम ये बना रहे हैं। अब आपको अब जो भी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो आपको देख सकते हैं। तो गाइस मुझसे मालूम भाई ने प्रॉमिस किया था कि वो मेरे घर आएंगे, तो आज मालूम भाई हमारे घर आए हैं, तो वो देखें आप देख सकते हैं क्या कर रहे हैं, शेफ बने हुए हैं। तो अब जब मैक्रोनी रेडी जब बिल्कुल रेडी हो जाएगी तो फिर मैं आपको रिव्यू दूंगी कि माज भाई ने कैसी मैक्रोनी बनाई है। गाइस मैक्रोनी की रेसिपी शुरू होने वाली है, चलें आपको दिखाते हैं कि कैसे मैक्रोनी बनाते हैं, कैसे मैक्रोनी बनाते हैं। रेसिपी सबसे पहले डाला माज भाई ने, सबसे पहले टेस्ट किया माज भाई ने चिकन टिक्का मसाला। बाय बाय टाटा गुड बाय गए, और वो डल चुका है। तो गाइस आप अपने स्पाइस जितना आप खा सकते हैं उतना डालें। गाइस देख सकते हैं कितना मजे का लग रहा है, मुझे तो दिल कर रहा है मैं अभी खा लूं। कच्चा कच्चा चिकन नहीं, हम नहीं खाते कच्चा कच्चा चिकन, आप खाते होंगे कच्चा कच्चा चिकन। गाइस आप सब कमेंट में बताना कि किसने कच्चा चिकन खाया। चूल्हा ऐसा कर देना जब आपने फ्राई करना है। एक माज भाई ने ज्ञान देना, चले बताएं। चूल्हा ऐसा कर देने, अब दूसरा मसाला डालने जा रहे हैं जो इसी मैक्रोनी का मसाला है। हम बना रहे हैं बाल्टी मैक्रोनी बेक पार्लर की, यमी 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 यमी। देखिए सॉसेज डाल रहे हैं आप, ये सारी सॉसेज है, अब देखते हैं कौन कौन सी माज भी कब डालते हैं सॉसेज। हाँ ब्लैक है सिल्वर। गाइस मैं टेस्ट करते हुए गाइस बहुत यम्मी है, गल गई है ना कर देना। सबसे पहले माज भाई ने कौन सा सॉस डाला बताएं आप। ये है जी हॉट सॉस। गाइस माज भाई लगता है जो लोग बना के रहेंगे कोरियन मैक्रोनी। ये अब डाली हमने बारबेक्यू सॉस। माज भी गोला नहीं बनाना, आज मुझे तो लगता है माज भी गोला बना रहे हैं जैसे सॉसेस डाल रहे हैं। गजब बेइज्जती है। मैक्रोनी डाल चुकी है, डाल के आपने इसको हल्का हल्का हिलाना है। Yes. ताकि मैक्रोनी टूटे भी ना और ये सारा जो है वो मिक्स हो जाए। मिक्स हो जाए बिल्कुल हल्की।
गाइस देखिए मैं रिव्यू दे रही हूँ माल भाई की मैक्रोनी को, कैसी बनाई है, बहुत मजे की बनाई है। गाइस अगर आपको आपको रेसिपी समझ आई है तो आप जरूर बना के देखिएगा, बहुत यम्मी मैक्रोनी है। तो अब हम आराम से डिनर में खाएंगे मैक्रोनी। तो आपको यही हम कहते हैं बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।